तो उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मैनपुरी से रघुराज शाक्य को चुनावी टिकट दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से। तो आपको बता दें कि मैनपुरी से जहां समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ रघुराज शाक्य को मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब जो टक्कर देखने को मिलेगी मैनपुरी उपचुनाव में वो होगी डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच में। तो मैनपुरी से रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट रही है, और यहाँ से इससे पहले मुलायम सिंह यादव यहाँ पर थे, मुलायम सिंह यादव के पक्ष में हर बार यहाँ चीज़ें हुई, और जो लोग हैं वहाँ के वो काफ़ी भावनात्मक रूप से मुलायम सिंह यादव से जुड़े रहे, और अब उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की इस विरासत को संभालने के लिए डिंपल यादव को आगे किया, डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अब नाम का ऐलान कर दिया है, रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी उपचुनाव में। तो देखना होगा कि इस बार आखिर जनता क्या वाकई जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो गढ़ रहेगा या नहीं। और वहीं आपको बता दें कि रामपुर से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए मैनपुरी और रामपुर के लिए दोनों ही जगहों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से आकाश सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मैनपुरी से रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। तो चलिए, हमारा संपर्क अभी टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी से रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अब जो जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि वहां पर आखिर जनता किसे ज्यादा पसंद कर रही है। हमारे साथ में एक बार फिर से ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। ब्रजेश जी, देखिए खतौली से भी राजकुमार को टिकट दिया गया और मैनपुरी से रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है, यानी कि तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त अपने उम्मीदवारों की जो सूची है जो ऐलान कर दिया है नामों का। बिल्कुल, देखिए इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से कि आखिर कौन इन तीन सीटों पर कौन प्रत्याशी बनेगा, तो आखिरकार अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है खतौली की सीट हो या फिर मैनपुरी की सीट हो, इन जगह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। सबसे बड़ी जो नजर थी वो थी मैनपुरी, मैनपुरी से कौन आता है, तो उसके लिए रघुराज सिंह साक को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर से आकाश सक्सेना को दोबारा रिपीट किया गया है, तो वहीं खतौली से राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि विक्रम सैनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगी राजकुमारी सैनी, और आकाश सक्सेना ने चूंकि आजम खान के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार उन्हें दोबारा फिर से प्रत्याशी बना करके बीजेपी ने वो फैसला लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, रघुराज सिंह साक समाजवादी पार्टी में कभी जो है एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी अपनी इमेज थी, इटावा से वो दो बार विधायक और एक बार सांसद रहे रघुराज सिंह साक, और आज रघुराज शाक्य को जो है बीजेपी ने मैनपुरी के उपचुनाव से जो है उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे उपचुनाव में अब डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज सिंह साक खड़े होंगे, यानी कि पुराने समाजवादी अब भाजपाई जो भगवाई जो है भगवा होकर के अब डिंपल यादव के मुकाबले खड़े होंगे। बीजेपी ने एक बार फिर उस जातीय सियासत को साधा है, उस जातीय सियासत को जो है साधने की कोशिश की, क्योंकि यादव वोट बैंक के बाद अगर हम बात करें जो है तो यादव के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो वोट बैंक है जो है शाक्य बिरादरी का, लगभग 3 लाख के आसपास लोकसभा सीट में शाक्य बिरादरी का वोट है। ऐसे में शाक्य, इससे पहले प्रेम सिंह साक को 3 बार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था, मुलायम मैनपुरी से वो 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पिछली बार नजदीकी अंतर से लगभग 44,000 वोटों से वो जो है उन्हें हार मिली थी, लेकिन बावजूद उसके जो है इस बार फिर शाक्य बिरादरी को दिया गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण बीजेपी ने बदला है, बीजेपी ने पुराने समाजवादी पार्टी के नेता को ही बीजेपी से टिकट दिया है रघुराज सिंह साक को। तब देखना होगा कि मुकाबला किस तरह का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस मुकाबले में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है
या शिवपाल यादव का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। शिवपाल यादव कहां और किसके साथ खड़े नजर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये तय होगा कि शिवपाल यादव इस पूरे जो है लड़ाई में कहां पर खड़े होते हैं, क्या वो परिवार के साथ खड़े होते हैं या परिवार के खिलाफ खड़े होते हैं, ये अपने आप में बेहद अहम है। तो इसकी लड़ाई इस वक्त होने जा रही है जो है। तो आखिरकार बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, रघुराज सिंह साकू को प्रत्याशी बना दिया है और उनकी प्रत्याशिता बहुत कुछ तय करने वाली है। ब्रजेश जी, एक और मेरा सवाल, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इस राजनीति कवर कर रहे हैं, आप एक एक चीज को समझते हैं राजनीति की, तो मेनपुरी से आखिर किस रणनीति के तहत बीजेपी ने रघुराज शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है? क्या सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो शाक्य जो वोटर्स हैं उन पर सीधी नजर है? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको पहले बताया कि मैनपुरी की अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर वो जो जातीय सियासत है वो सबसे ज्यादा अहम होती है। और जातीय सियासत की लड़ाई में बीजेपी चाहती थी कि वो उस प्रत्याशी को उतारे जो कास्टिज्म फैक्टर को साधता हो, और उसी कड़ी में एक बड़ा हिस्सा है रघुराज सिंह साक्य की जो है उनके नाम का ऐलान होना। शाक्य बिरादरी यादव वोट बैंक के बाद जो सबसे बड़ी बिरादरी है वो यहाँ पर है, और ऐसे में इसको लेकर के बीजेपी ने वो सियासी दांव खेल दिया। देखिए पहले सबसे ज्यादा जो 4.5 लाख के आसपास यादव का वोट है, 3 लाख के आसपास यहाँ पर शाक्य वोट है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद एससी और ओबीसी है, मुस्लिम वोट भी लगभग यहाँ पर 50 से 60 हजार के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जातीय समीकरणों में दूसरी जो सबसे बड़ी बिरादरी है वो शाक्य है। इसीलिए बीजेपी ने शाक्य बिरादरी पर दांव चला है कि अगर यादव वोट बैंक एकमुश्त होता है समाजवादी पार्टी के लिए तो शाक्य वोट बैंक काटा जा सके। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चला था अभी डिंपल यादव के नाम के ऐलान से ठीक पहले, आलोक शाक्य जो पूर्व मंत्री भी है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उनको जिलाध्यक्ष बनाया मैनपुरी का, मात्र इसीलिए ताकि एक तरफ यादव प्रत्याशी और शाक्य जिलाध्यक्ष दोनों को मिलाकर शाक्य का वोट बैंक काटा जा सके। तो यहाँ पर जो लड़ाई है मैनपुरी में वो जाति समीकरणों की लड़ाई है, और उस जाति समीकरणों की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब शाक्य पर भरोसा जताया है। तमाम नाम चर्चाओं में थे लेकिन तमाम नामों को दरकिनार करके रघुराज सिंह साकू को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है समाजवादी पार्टी के एक रणनीति मालूम है। वो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे, फिर प्रसपा में गए, और उसके बाद जब प्रसपा से भी टिकट नहीं मिला तब वो बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी ने मैनपुरी की लड़ाई में रघुराज सिंह साकू को उतारा है, अब देखना यह होगा कि रघुराज शाक्य क्या कुछ करिश्मा कर पाते हैं, क्योंकि अब लड़ाई सबसे बड़ा फैक्टर, मैं पहले भी कह रहा था अभी भी कह रहा हूं, इस कास्टिज्म की लड़ाई में शिवपाल यादव डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। शिवपाल यादव अगर साइलेंट रहते हैं तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा इसी इसका हिस्सा है, इसी लोकसभा सीट का हिस्सा, और जसवंत नगर से शिवपाल यादव जो है वहां से जो है विधायक है, करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक है, यानी कि दो महत्वपूर्ण विधानसभा, चाचा भतीजे की दो विधानसभाएं मिलकर के ये पूरा जो है ये लोकसभा सीट बनाती है। तो अपने आप में ये बेहद अहम है, ये सीट बेहद अहम है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। तो फहीम भी हमारे संवाददाता वहां से बन गए हैं, वहां से जुड़े हुए हमारे साथ में। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस वक्त आपको? भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आकाश कुमार सक्सेना को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का ऐलान करने के बाद यहाँ मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। रामपुर के अंदर इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना लड़ते रहे हैं और बहुत सारे मुकदमों में बादी हैं, उसको देखने के बाद ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चला है, क्योंकि आजम खान और आकाश सक्सेना जो है काफी मामलों में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। दूसरी बात, ये मैं ये भी बता दूं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दोनों का मुकाबला हुआ था, आकाश कुमार सक्सेना उसमें धराशायी हुए थे जी, और आजम खान को उसमें 52,000 वोटों से जीत मिली थी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रामपुर के अंदर क्या क्या दोबारा से ये कमल खिलाने की कवायद जो चली है ये कामयाब होगी, या फिर आजम खान कामयाब हो पाएंगे अपने इस सीट को बचाने में, क्योंकि ये आजम खान का 45 साल का किला है और इस किले को ढहाने में, गिराने में, ध्वस्त करने में कोई भी कसर सरकार नहीं छोड़ेगी। पूरी मंत्रियों की फौज यहाँ होगी और आजम खान
खुद पूरा सा दम लगाएंगे और आज आजम खान 6 बजे अपने दारुल अवाम जो उनका दफ्तर है वहां पे सभा करेंगे और सभा में प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। तो आज जो है ये बहुत ही खास दिन है रामपुर के लिए, बहुत ही अहम दिन है और आज सियासत का जो पारा है रामपुर के अंदर बहुत हाई है। इस टाइम जो है सारे जो पार्टियां हैं वो इस उसमें लगी हुई हैं कि ये आजम खान का इशारा किधर होगा, आजम खान के परिवार से कोई लड़ेगा या फिर वो खुद प्रत्याशी उनकी बहू या उनकी पत्नी होंगी। तो जिस तरह से पूरा मामला सामने अभी आना बाकी है, लेकिन आकाश कुमार सक्सेना के चुनाव में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो चला है। जी आज जिस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आजम खान ने आज 6 बजे ऐलान किया है, उनके यहाँ आज मीटिंग है और मीटिंग में वो ऐलान करेंगे कि इसमें प्रत्याशी कौन होगा और किस तरह से वो किसको लड़ाएंगे। ये थोड़ा सा अभी इसमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए खतौली से लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर किसके नाम पर बीजेपी मोहर लगाएगी, और लेकिन अब खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कितनी लड़ाई इस वक्त देखने को मिल सकती है इस बार उपचुनाव के दौरान? देखिए पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि राजकुमारी सैनी को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि राजकुमारी सैनी जो विधायक यहाँ के विक्रम सैनी थे उनकी धर्मपत्नी है, और विधायक जो विक्रम सैनी है वो दो चुनाव जो पहले 2017 में और अब 2022 में चुनाव जीत चुके हैं, उन्हीं की अयोग्य होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो राजकुमारी सैनी यहाँ पर एक मजबूत चुनाव लड़ेगी और उनके सामने जो रालोद ने प्रत्याशी उतारा है मदन भैया वो बाहरी बताया जा रहा है, उसको लेकर अंतर कलह भी यहाँ पर रालोद में देखने को मिली है। तो बड़ी मजबूत स्थिति में राजकुमारी सैनी जो है वो चुनाव लड़ेगी और एक मजबूत स्थिति में भाजपा यहाँ पर रहेगी। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ में इस वक्त एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव जिसमें तीनों ही सीटें अपने आप में काफी खास और अहम मायने रखती हैं, फिर चाहे वो मैनपुरी की सीट हो, रामपुर हो या खतौली हो। हालांकि अगर बात करें मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट की, तो यहां से राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं आरएलडी और सपा इस सीट पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। तो आरएलडी ने मदन भैया को चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर भी कास्टिज्म फैक्टर को साधने की बात की गई है। देखिए उत्तर प्रदेश सियासत में आप भले विकास की कितनी भी बात कर लीजिए, लेकिन आखिरकार सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने तरीके से जो है उस जाति समीकरणों को साधती नजर आती हैं। राजकुमार सैनी को माफ कीजिएगा, राजकुमारी सैनी जो विक्रम सैनी की पत्नी है उनको मुजफ्फरनगर से टिकट देकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है, क्योंकि सैनी समाज को जो है खुश करने के लिए उन्होंने इसके साथ सिंपैथी वोट बैंक वो तमाम चीजें, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि विक्रम सैनी के ऊपर जो आरोप लगे थे दरअसल वो मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के आरोप लगे थे, और उस दंगों के नायक हैं ये सारे लोग, 2013 में जो दंगे हुए थे उसके नायक के तौर पर सामने आए थे, और यही वजह है कि दो दो बार वो विधायक बने। ऐसे में वो कोई अपराध नहीं है, वो किसी अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि वो अपने आप को शहादत के तौर पर दे रहे हैं कि देखिए उस दंगों में जो है हमने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई थी लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जो है आगे ले जाने के लिए, और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा कि हमें आज जो है कोर्ट ने सजा दे दी है। तो ऐसे में अब अपनी पत्नी को आगे कर करके वो सिंपैथी वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है।